नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई मेरी फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस एम4 फिटनेस बैंड की। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले मैंने एक एम4 फिटनेस बैंड लिया था और इसको यूज़ करते करते मेरे को एक महीना हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका फुल जेन्युइन रिव्यू, बताऊँगा इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो ये दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, आप देख रहे हैं जतिन का मेरे चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले मिल जाएगी आप सभी को 0.95 इंचेस का TFT नॉन टच कलर डिस्प्ले। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो आप सभी को मिल जाएगा 128x64 का स्क्रीन रेजोल्यूशन। बात करें हम इसकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी को मिल जाएगा इसमें ब्लूटूथ 4.0 की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जो कि आजकल सभी फ़ोन्स में आपको मिल जाती है। बात करें यार इसकी वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी के बारे में तो यार इसके बॉक्स में मेंशन किया गया है कि IP67 है, बट मुझे नहीं लगता है कि IP67 सपोर्ट करता होगा, क्योंकि मैंने तो यार इसको टेस्ट करा नहीं है। बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो यार बैटरी के चार्ज टाइम के बारे में बात करते हैं तो 5 वॉट्स के आउटपुट पे ये 1 आवर में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 380 mAh की आप सभी को बैटरी मिल जाएगी। बैटरी लाइफ की बात करें तो यार ये 1.5 से 3 दिन इसकी बैटरी लाइफ चल जाती है, बाकी आपके यूजेज पर भी डिपेंड करता है आप इसे कितना यूज़ करते हैं। बात करें इसकी OS कंपेटेबिलिटी के बारे में तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ चल जाती है। कनेक्टिविटी कनेक्शन में मिनिमम 4.4 होना चाहिए एंड्रॉयड और iOS होना चाहिए 8.0। गए साथ में मेरे को इसके साथ एक प्रॉब्लम भी मिली है, मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ किया और देख सकते हैं मेरी वॉच अभी मेरे फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो चुकी है और स्टेप्स भी मेरे 16 है। तो जैसे मैं अभी यहाँ से वॉक करता हूँ, फटाफट से मैं वॉक करके आ चुका हूँ और देख सकते हैं मेरे स्टेप अभी 29 हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसी केस में मैं अगर अपने फ़ोन को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ ऑन करके, जैसे मैं कर देता हूँ ब्लूटूथ ऑन, देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं मेरी वॉच यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर नेम आ चुका है मेंशन। और अगर मैं वॉच में देखूँ तो वॉच में भी आप देख सकते हैं साइन आ चुका है कनेक्शन का। तो अगर मैं फिर से वॉक करता हूँ और फिर से आगे चेक करता हूँ तो यार मेरे 29 स्टेप्स थे और 29 के 29 स्टेप्स ही हैं। मुझे इसमें यार प्रॉब्लम मिल रही है, जब मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ कई बार एक्यूरेट स्टेप्स दिखाती नहीं है और कई बार दिखाती है। तो यार मुझे इसमें प्रॉब्लम मिली है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसका शेयर कर दूँ। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस बैंड के प्राइस के बारे में। तो इसका बैंड का प्राइस है अप्रॉक्स 350 रुपीज़। मैं आपको अप्रॉक्स में प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस वेरी करता रहता है अलग अलग वेबसाइट्स पे, आप जहाँ से भी खरीद लें ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट से, तो आप पहले अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लें। सो गाइस अब हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की, क्या आपको ये बैंड लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो आप ऑफकोर्स MI बैंड 4 ही लेंगे, बट अगर आपका बजट कम है तो आप M4 फिटनेस बैंड की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस अब देखिए, इतने कम बजट में आप सभी को काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कलर डिस्प्ले मिल जाएगा, फ़ोन कनेक्टिविटी, वाइब्रेशन फीडबैक, फिटनेस ट्रैकर की मिल जाएगा आप सभी को, उतना एक्यूरेट नहीं है बट हाँ ठीक है, अपीयरेंस भी मिल जाएगा, M4 बैंड जैसा बिल्कुल लुक है, 3 डेज की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, मैसेज अपने फ़ोन के मैसेज जिसमें देख सकते हैं, साथ ही में कैमरा शटर पता कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो अच्छा है ये काफ़ी बैंड, मेरे ओपिनियन में काफ़ी मस्त है ये, आप चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट्स का आंसर 24 आवर्स के अंदर दे दूँगा। तक करो इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन।